मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो हो रही है 10 बजे के करीब और मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। और ना मेरे आई थिंक 4-5 दिन से ना व्लॉग्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ना तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी मेरी 4-5 दिन से। तो आज थोड़ा सा मैं ठीक लग रहा मेरे को, तो मैं क्या क्यों ना से शुरुआत की जाए न्यू व्लॉग्स की, क्योंकि लोगों को भी इंतज़ार होता है, कमेंट्स भी आते हैं कि मैम व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैं क्या, उनके लिए तो बनता है ना। तो आज है मौसम कुछ ठंडा ठंडा सा, धूप हल्की फल्की सी लगी हुई है और ठंडा सा मौसम है। और तनु गड़बड़ कर दिया तूने यार, चल चाचा। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई अब। तो आज का मौसम ना कुछ ऐसे ही है, ठंडा सा बना हुआ है। और तनु भी आ गई है, तनु आज लेट आई है थोड़ा सा, अदरवाइज़ 9 बजे के करीब आ जाते हैं, 10 बजे आई है। और मैंने बना लिया था नाश्ता, भी कर रही थी मैं नाश्ता। मैं क्या, नाश्ता करने के बाद आज पता मेरे को क्या करना है, आज मैंने सोचा था कि ना ठंड होगी है, तो अभी तक तो हमने ना ब्लैंकेट निकाले हुए थे, तो ना ब्लैंकेट में आज ना लग रही थी ठंड। जैसे हम लोगों ने ऐसे बेडशीट्स मतलब ना कॉटन की बिछाई है अभी बेडशीट्स, तो ना ठंडा ठंडा लग रहा था। तो खाली ब्लैंकेट था ऊपर और बेडशीट थी ना, ठंडा ठंडा लग रहा था कि ठंड लग रही है आपको भाई, मतलब ऐसा फील हो रहा था। तो मैं आज सोच रही थी कि बेड बॉक्सेस से ना मैं रजाई या जो भी हमारी विंटर की बेडशीट्स हैं वो निकालती हूँ और थोड़ा सा धूप लगवाती हूँ उनको। तो धूप कहाँ से लगाऊँ, धूप का कोई नामो निशान है नहीं आज, बट कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा, बाहर ही निकाल के थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से बंद पड़ी होती है ना, तो थोड़ा सा उनको धूप लगाना ज़रूरी होता है। तो अभी हो रही है मेरी हाल फिलहाल चाय ठंडी, तो चाय पी लेती हूँ, परौंठी खा लेती हूँ साथ में अचार के साथ। थोड़ी देर बाद मैं खाऊँगी, क्या खाऊँगी, दही लाई हूँ मैं भी फ्रेश। अभी जाके दूध और दही लाई हूँ, तो मैंने आधे घर घंटे बाद मेरे को दही खाना है। 4-5 दिन से ना मतलब तबीयत इतनी ख़राब थी, ऐसे होता है ना कि अंदर ऐसे, मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट एनीवेज अभी ठीक हूँ मैं। तो ठीक है, अभी कर लेती हूँ मैं नाश्ता और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ओके। का स्कूल नहीं गया आज, मैं सुबह उठ गई थी, अपने टाइम से उठी थी पता है, और इनको लंच बॉक्स भी पैक कर दिया, यूनिफॉर्म भी रख दी इनकी, मेरे को रखनी होती है कि अब उठेंगे फ्रेश होंगे और है ना, मेरा जो काम होता था मैंने कर दिया। ये लड़का बोलता ऐसे, बोलता नहीं कभी भी मेरे को स्कूल नहीं जाना, आज मेरे को बोलता कि मैंने स्कूल नहीं जाना, अभी बेड से उठ के यहाँ सोने की एक्टिंग कर रहा है। क्यों नहीं गई स्कूल, ओ गबरूगा स्कूल ला गए ना गो तो है, क्या हुआ तुझो, बुखार है क्या, कुछ तो हुआ, क्या हुआ, बीमार है तू, आप आ है ता कहे ना गो स्कूल लाए बल कहे ना गो बल है। बर्थडे कब है आपका, 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर 5 दिसंबर को है। क्या चाहिए मम्मा से, मैं इतनी देर से मंगा रहा हूँ, आप मंगा ना, वो तो सरप्राइज होएगा ना, फिर सरप्राइज होगा ना, आप मेरे लिए अच्छे कुछ मंगाते हो नहीं, मैं हमेशा आपसे मंगाता हूँ, इस प्रेशर से फिर तो तू क्यों मंगा रहा है खुद, मम्मा खुद मंगाएगी, ऐसे ही मंगाऊंगी जब तेरे को चाहिए कुछ। अब मैंने मंगा दिया है। कहाँ मंगाया तूने, कहाँ मंगाया, ऑर्डर कर दिया था मेरे फोन से, पैसे कौन देगा, मेरे पास मनी नहीं है, पेटीएम करो, पेटीएम में 0 बैलेंस होएगा, फिर कहाँ से करेगा, फोन में 0 बैलेंस होएगा, कैश नहीं होएगा, आई एम गरीब ब्रो, तो पापा से मांगो ना, पापा भी गरीब है, पेटीएम करो, और गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, आ रहे हो, गुड मॉर्निंग कर दो सबको, अच्छे से करो, सड़ा सा मुंह क्यों बना रहा है, चल बाय कर दे। हे गाइस, तो मैं अभी आ गई किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ अभी खाना फटाफट, कढ़ी और चावल, और उसके बाद ना मेरे को जाना है कहीं पे रेडी होके, तो मैं चावल मैंने रख दिए, चावल बन भी गए इवन, तो मेरे को अभी ना लगाना तड़का कड़ी के लिए, तो मैं ना कड़ी पत्ता लेके आई हूँ बाहर से,
तो मैं क्या फटाफट अभी बनाती हूँ कढ़ी, और ना थोड़ी देर के बाद मेरे को जाना है। एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड है एक, तो वो ना उसका ना ऑपरेशन हुआ है, तो उसको देखने जाना, घर आ गई है वो, तो उसको देखने जाना। मैं क्या अभी थोड़ी देर बाद जाके आती हूँ, और बाकी तो कुछ खास है नहीं, ऐसे ही है। चलो ठीक है, बना लेती हूँ फटाफट खाना, फिर मिलती हूँ आपके साथ। ठीक है, ओके। हे गाइस, तो मैं अभी बना रही हूँ लंच, और लंच में बने आज चावल, और मैं बना रही हूँ अभी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैं कढ़ी पत्ता ले आई थी बाहर से, और अब कढ़ी के लिए लग रहा है तड़का। तो फटाफट अभी कढ़ी चावल बनाती हूँ, और इस तरफ देख सकते हो आप बर्तन हो गए हैं धोने के लिए, ये भी क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मेरे को जाना कहीं पे, तो उसके लिए होती हूँ मैं रेडी। चलो ठीक है, बना लेती हूँ खाना, एंड देन मिलती हूँ फिर आपके साथ थोड़ी देर के बाद। तो गाइज, आज ना सुबह सुबह मैं लाई थी पालक और मेथी। हाँ जी ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ अभी साफ, मैंने इसको धो के साफ करके रख दूँ। ये ना मेथी और पालक ही मिला मेरे को, ना सरसों का साग मिला ही नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, पालक और मेथी से ही। कुछ बीच में इन्होंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। मैं स्पेशली ना सुबह सुबह साग लेने गई थी, बट मिल ही नहीं पाया सरसों का। इसमें सरसों का होता ना फिर और टेस्टी बनता है। हाँ जी, तो ये भी कर लेती हूँ साफ। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैंने पहना ये वाला टॉप, और ना मेरे साथ ना बच्चे भी रेडी हो गए, कहते मम्मा हम भी चल पड़ते हैं, तो दोनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं अभी किसी के घर। और शिवेन बोल रहा मैं अपना हेयर कट करवा लूँगा, इसके पता नहीं 15-20 दिन बाद ही हेयर कट करवा रहा होता है। चले तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं, फिर आके मिलते हैं आपके साथ। आप करो, क्या करना है इसको? ऐसे ऐसे इसको करो ऊपर से, फिर सारे गिर जाएंगे। हाँ। अरे आप करो ना, तो आप मेरे फिर गिराना क्यों है? ऐसे अच्छा लगता है। बाप रे, अरे नहीं, अरे वाह, छोटे से ये भी इसने बनाया और सारा गिराया, फिर ये भी कैसे रन लूं? आगे उठाते चलो, अभी उड़ जाएंगे तो उड़ जाएंगे। नहीं उड़ते। आठ माता मलती, आठ माता, क्या चाहिए? हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी वापस। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कहीं जाना था, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड बीमार थी 2-4 दिन से ना, उसका ऑपरेट हुआ है, तो उसको देखने ही जाना था मैंने, तो उसको देख के आ गई हूँ मैं, साथ में बच्चे भी चले गए थे, तो जस्ट अभी पहुँची, और टाइम देख सकते हो क्या हो गया है, 6:45 हो गया है, 6:45 नहीं 6:15 हो गए हैं, उल्टा दिखता है ऐसे, तो 6:15 हो गए हैं, और सोच रही पहले चाय पीऊँ, और उसके बाद आज मैंने वो मेथी और पालक जो है ना वो धो के रखी गई थी मैं, तो अभी उसको कट करना है, तो मैं क्या चेंज वेंज में बाद में करती हूँ, पहले वो काट लेती हूँ ना साग, उसको काटने के लिए भी टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं, तो मैं क्या वो बना लेती हूँ। और अभी ना शाम को आज तनु नहीं आई, कहीं जाना था उसको, तो और भी छोटे मोटे काम है जैसे आटा गूंदना और ये चॉपिंग वॉपिंग करना, तो ये मैंने ही करना, तो अभी रखती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। और ना थैंक यू सो मच, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे व्लॉग, क्यों नहीं आ रहे, सब ठीक है। तो मैं ना 5-7 दिन से, मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी 4-5 दिन से, तो इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो आज मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैं क्या नहीं यार सब मतलब होता है कि लोग प्यार करते हैं आपसे, है ना, और उनको चिंता होती है आपकी कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या उनके लिए नहीं, आज का व्लॉग तो बनता है। और एक आई थिंक रिंकू रमन कुछ ऐसा मेरे को नाम ही है, राजस्थान से हैं, तो वो भी काफ़ी कंसर्न दिखा रहे थे अपना कि, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं क्या आज का व्लॉग तो बनता ही है। तो रीता मैम आप पूछ रहे थे कि दिवाली कैसी रही, दिवाली बहुत अच्छी रही, बस थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो बट एनीवेज अभी मैं ठीक हूँ,
और दिवाली भी अच्छी रही, धनतेरस भी अच्छा रहा, तो सब कुछ ही अच्छा रहा। और धनतेरस पे मैंने इस बार कुछ, मैं हर बार ही लेती थी वैसे धनतेरस पे, कुछ ना कुछ लेती थी मैं, बट इस बार मैंने कुछ खास नहीं लिया, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें घर के लिए जो होती है वो ली, अदरवाइज मैंने तो एक अच्छी खासी एक कोई चीज़ लेती थी, बट इस बार तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ध्यान क्या नहीं दिया मतलब हो ही नहीं पाया मेरे से। तो आज मैं थोड़ी तबीयत ठीक कैसे ही हूँ, तो मैं क्या आज व्लॉग तो बनाना है, तो स्पेशली आप लोगों के लिए जो चिंतित थे मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने ऐसे ही प्यार देते रहे तो मेरे को भी अच्छा लगता है ना। और रील्स डालती हूँ मैं व्लॉग नहीं आ रहा था, बट मैं ना वो रील्स डाल ही रही थी मैं, दो तीन ऐसे 2-3 दिन से, 3-4 दिन से मैं एक एक दो दो रील डाल ही रही थी, नहीं तो कोई नहीं बनाई, बट इतने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर है तो उनका डिमांड भी होता है कि इस गाने पे रील बनाओ, तो एक मेरे को गाना नहीं याद आ रहा अभी, हाँ पान खाए, तो मैं पक्का उस पर बनाऊँगी एक दो दो 4 दिन में, जब भी मेरे को टाइम लगेगा तो मैं पक्का आपके लिए वो वाले उसी गाने पे रील बनाऊँगी, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं स्पेशली, आई थिंक ये राजस्थान से हैं रीता मैम, डॉक्टर रीता शायद, तो उनके लिए पक्का ये वाली रील बनाऊंगी मैं, अगर नाम मैं उल्टा सीधा ले दूँ तो उसके लिए सॉरी, तो कई बार होता है कि ध्यान में नहीं रहता है ना, तो उसके लिए सॉरी। और ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ चाय, और मेरे को साग कट करना है अभी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपका बोलने का जो, आप बोलते बहुत प्यारा हो, पता नहीं बट मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मेरा जो लहजा है, मैं बच्चों के साथ भी ऐसी बात करती, घर में भी ऐसी बात करती हूँ, तो ऐसी टोन है मेरी, होता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी प्यार से बात करती हूँ, और गुस्सा आता है कभी कभी जब कुछ हो जाता है, तो अदरवाइज गुस्सा बहुत कम आता है मेरे को, तो मैं सबसे ऐसी प्यार से ही बात करती हूँ, छोटे से बड़ों से, है ना, हाँ सीनियर जूनियर जो भी होते हैं, तो मैं सबसे इसी लहजे में बात करती हूँ, तो शायद ही मेरा नेचर ही है, और ऐसे संस्कार हैं पेरेंट्स के जो आपको पसंद आते हैं। तो ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ चाय, है ना, बेटे ने तो मैगी बनाई, इसको पता नहीं भूख लगी थी या क्या था, इसने वो ना बिल्कुल वो नहीं होती मिर्ची वाली मैगी, कौन सी होती है वो वाली, खाई इसने एक वाइट, मेरे को भी दी, पर ऐसे मुंह जल रहा मेरा। और मैं आपको दिखाती हूँ साग की टोकरी ना भर के रखी है, अभी मैंने पूरा कट करना है ये, और आटा गूंदना है मेरे को, फिर बहुत सारे काम है छोटे मोटे, तो ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो जल्दी जल्दी ना, मतलब ये मैंने कुकर रख दिया यहाँ पे, और ये है साग, और ये मैंने फटाफट करूँगी चॉप, और डायरेक्ट डालूँगी इसमें, इसको बॉईल करने के लिए रखना है ना, तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं, फटाफट यहाँ से चॉप करके तो इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो गाइस देखो ये है, बापरे टोकरी भर के साग की, देख रहा आपको, पानी ना गिर जाएगा ही नीचे, तो ये मेरे को अभी करनी है चॉप, तो मैं फटाफट क्या करूँगी ना, यहीं पे इसको चॉप करके फटाफट, मैंने कुकर रख दिया गैस पे, तो मैं इसको डायरेक्ट डाल के जाऊंगी, धो के मैं रख गई थी ना इसको, क्योंकि इसका पानी वानी सारा निचोड़ जाएगा, तो मैं इसको, गांव में तो ये होता है ना कि हम वो लेते हैं, क्या लेते हैं, दराटी बोलते हैं हमारे, तो उससे फटाफट कट जाता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई साधन है नहीं, तो इसको मैं ना इसी चाकू से, सुनाई दे रहा आपको, चल 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 फटाफट इसको चॉप करके, कुकर में डालती जाऊंगी, ताकि फटाफट ये साथ साथ में, ये लिया ऐसे करके, और इसमें गया शूं करके, ऐसे लिया और शूं करके गया। ठीक है, और सच सच बताना किस किसने मेरे को मिस किया, 4-5 दिन फिर व्लॉग में आए तो, ठीक है, बताना किस किस ने मिस किए मेरे व्लॉग। ओके, बीच में मिर्चियाँ भी आ रही हैं, कट की गई गलती से तो फिर ज़्यादा हो जाएगा मिर्च, हरी मिर्च ना ऐसे खाने में अच्छी लगती है, अगर ऐसे मुंह में आ जाए ना फिर वो नहीं हो, तो वो ज़्यादा हो जाता है। मैं क्या फटाफट मैं काट दूँ साग, और साथ साथ में फिर ना मैं चाय, मैंने रखी नहीं, इसके बाद मैंने चाय रखनी है, चाय पीनी मैंने अदरक वाली, तो ये गया जी साग,
देखा कुर्ती मेरी फटाफट बना देती, मैं तबीयत सही होनी चाहिए मेरी, मेरी तबीयत का नहीं पता चलता ना, ये तो मसला है। पर जो भी है मैं वो ठीक है, ज़िंदगी बख्श दी है भगवान ने, और क्या चाहिए, है ना। एक समय ऐसा था तब लगता था कि ज़िंदगी भी नहीं बचेगी अभी, बट बख्श दी है भगवान ने, तो जैसी है इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। तो जिस जिसने साग खाना है हाथ खड़ा करे, उंगली कटी ना मेरी भाई, हाथ हो जाना खड़ा साथ में। जल्दबाजी में ऐसे काम होते हैं पता है, उंगली कटने के। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा, हाय हाय नीचे गिर गया, कि मम्मा पनीर डालो इसमें, ऐसे नहीं मैं खाना। तो मैं क्या, पहले मैं इसको बॉइल तो करूं, पनीर का इंतज़ाम बाद में करती हूँ। तो फिर ड्राइवर भैया को फ़ोन करती हूँ कि वो पनीर ले आए, है ना। बाप रे, आप लोगों की दिवाली कैसी रही बताना मेरे को, ठीक है। मेरी तो अच्छी रही, आप लोगों की कैसी रही। बाप रे, तो ठीक है गाइस मैं काट लेती हूँ, है ना, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में और आपसे भी बात कर रही हूँ और टक 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 ये भी जाए, है ना थोड़ा, ठीक है। और मम्मी आज लग कैसी रही हूँ मैं, आज ये वाला टॉप पहनना, मैंने पहले मैं वाइट लगी थी पहनने, इसमें वाइट भी है येलो भी है, सेम इसी में वाइट भी है येलो भी है रेड भी है ब्लैक भी है, ये नेवी ब्लू सा है, ये भी है, पांच छह कलर है इसमें, तो मैंने आज ये वाला पहनना है। और तो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, मुझे याद करते रहें, ठीक है। और आप मेरे को याद करते ना तो मेरी आधी बीमारी ऐसी चली जाती है पता है, कि मेरे को लगता कि नहीं यार मेरी YouTube फैमिली भी है जो मेरे को मिस कर रही है ना। तो फिर आज सच में ना, मतलब मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर, कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं कह नहीं यार। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। साग लगा, बाय बाय।